अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुह। मेरा नाम है इरशाद अहमद वानी। मैं शोपियान के एक गांव मंडपाऊ से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरी मदर एक पेशेंट जो यहाँ पर कश्मीर आई हॉस्पिटल अनंतनाग में हमने यहाँ पर लाई, वो एक्चुअली एक सी ए पेशेंट थी जिसको फिर आंखों में थोड़ा कुछ लाइट दिखने में थोड़ी कुछ प्रॉब्लम हो गई। और फिर हमने वहाँ पर सुना कि कश्मीर आई हॉस्पिटल यहाँ पर अनंतनाग में वहाँ पर अच्छी तरह से ट्रीटमेंट होता है। फिर हम यहाँ पर आए और यहाँ हमने उसकी आँखों का इलाज करना शुरू किया। यहाँ पर हम बहुत ही वो खुशी और मसरत के साथ उसका जो आवाज है वो अच्छी तरह हो गया। यहाँ पर ये खुद सारा काम करते हैं। यहाँ पर जब हम आए तो बाकी हॉस्पिटलों की तरह नहीं जो कि काउंटर पर हमें टिकट लेनी पड़ी, बाकी यहाँ पर वो पेशेंट का कार्ड होता है, वो कार्ड खुद एक काउंटर से दूसरे काउंटर पर लेके डॉक्टर साहब जो यहाँ पर है उसके पास अपॉइंटमेंट दिलाते हैं। उसके बाद जब हमने पहली आँख की सर्जरी की तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने 10 दिन बाद ही उसका रिजल्ट देखा। अल्लाह ताला के फजल से उसकी लाइट बहुत अच्छी पहले से बेहतर हुई। और उसके बाद डॉक्टर साहब ने 10-15 या 20 दिन के बाद उसकी दूसरी आँख की भी सर्जरी की जिसको अभी तकरीबन 9 दिन हो गए। और उन 9 दिनों के बाद आज हम फिर यहाँ पर आए उसकी आँखों का चेकअप कराने के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसकी जो दूसरी आँख थी जिसको तकरीबन थोड़ी लाइट थी यानी जानी को ही थी वो आँख, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से और इन डॉक्टर साहिबान की मदद से उसकी दूसरी आँख जो है उसकी भी अब वो क्या है कि उसकी फिर से अल्हम्दुलिल्लाह उसी तरह जैसे कि नेचुरल लाइट होती है उसी तरह उसकी भी लाइट आ गई। इसलिए मैं इस यहाँ का जो स्टाफ है और यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं दिल से इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने वक्त पर इस मेरी माँ का इलाज किया और इसको वक्त पर अपनी आँखों की ये रोशनी वापस आ गई। और यहाँ पर जो खर्चा के हवाले से मैं अर्ज़ करना चाहूँगा कि जो बाकी अस्पतालों में या प्राइवेट हम जाते हैं वहाँ पर जो अखराजात लगते हैं उस हवाले से यहाँ पर हमें गोल्डन कार्ड पर ही सारा कुछ हो गया। हमें थोड़ी सी दवाई के लिए 1000-2500 का तेल उधर उधर खर्च लग गया, बाकी जो अल्हम्दुलिल्लाह गोल्डन कार्ड पर ही और सारा खर्चा उसी गोल्डन कार्ड पर ही हुआ, ज़्यादा खर्चा यहाँ पर नहीं होता है। बस हम यही बाकी लोगों से भी गुजारिश करते हैं कि ये जो नया शहर यहाँ पर कश्मीर हॉस्पिटल पड़ा है या अनंतनाग में, आप उनके सिलसिले में भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो यहाँ पर आइए और यहाँ पर बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट होता है। वसला।